फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विनीति में। सर्दियों का मौसम है, मटर इतनी सारी मार्केट में आ रही है, तो क्यों ना कुछ हेल्दी इससे बनाया जाए। तो यहाँ पर बना रहे हैं हम हरी मटर की टिक्कियाँ, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं, और इसके अंदर जो पीनट का हल्का सा क्रंच है वो और भी मज़ा आ जाता है खाने में। तो फटाफट शुरू करते हैं ये हरी भरी हेल्दी सी हरी मटर की टिक्कियाँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 बाउल लिया है मटर, हरी मटर है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है इस तरीके से, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 आलू, जिसको मैंने छील कर पीसेस कट करके ये भी बॉईल कर लिया। आप साबुत भी बॉईल कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगे। तो 2 आलू लिए हैं और 1 कप मटर लिया है। बॉईल करने के बाद हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे, अगर आपको चाहिए तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को मैश करेंगे आपस में इस तरीके से दबाते हुए। अच्छे से मैंने इनको मैश कर लिया है और अब डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले। तो इसमें हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 टीस्पून हम लेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर काली मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में जाएगा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, लगभग 4 टीस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसके बाद जाएगा इसके अंदर क्रश किया हुआ ये मूंगफली दाना है, लगभग 4 टीस्पून है, क्योंकि जब हम ये टिक्कियाँ बनाएंगे तो मुंह में जो क्रंच आएगा वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमने ले लिया है। साथ में हम लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक भी 1 टीस्पून जाएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करा है और अभी हमारी जो ये अदरक और हरी मिर्ची है ये रह गई है, तो हरी मिर्ची और अदरक डाल दिए थोड़ी सी, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ती और इनको भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है सभी चीज़ें। हाथ पे हमने ऑयल लगा लिया है और अपने मनपसंद हम इसको ले रहे हैं और अपने मनपसंद की साइज़ की हम टिक्कियाँ रेडी करेंगे, वही गोल। और इस तरीके से आप चाहें तो इसमें मूंगफली दाना ना डालें, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची ना डालकर आप रेड चिली भी डाल सकते हैं, कुटी हुई भी या फिर पिसी हुई, जो आपको पसंद हो। तो इस तरीके से हम ये मटर की टिक्कियां रेडी करके रख लेते हैं। अभी सारी टिक्कियां बन चुकी हैं और तवा रख लीजिए, तवा रख लिया है। आप चाहिए तो सैलो फ्राई कीजिए, चाहे डीप फ्राई कीजिए। तो मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ और तवा हमने ऑलरेडी गरम कर लिया है और अपनी जो टिक्कियाँ हैं वो भी रख लेते हैं सिकने के लिए। मेरा तवा बड़ा था तो इसलिए मैंने सारी टिक्कियाँ इस पर रख दी हैं एक साथ, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल ऊपर भी डाल देते हैं, थोड़ा सिकने देंगे, फिर हम इसको पलटेंगे और दोनों तरफ से हम अलग पलट करके क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। लेकिन अभी हमने नहीं सेकना है, थोड़ा लो फ्लेम पर हमें एक तरफ से सिकने देना है, तभी हम इसको पलटेंगे। तो सिकने देते हैं, टिक्कियाँ सिकने लगी हैं, ऑयल लगा दिया है और इसको हम उलट पलट करके सेक लेते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने अलट पलट करा है और ये हमारी क्रिस्पी सी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। हरी हरी मटर की, आलू और मटर की टिक्कियाँ बहुत ही टेस्टी क्रंची बनी है। तो आप इसको टी टाइम स्नैक्स में कभी भी बनाकर खा सकते हैं, आप किसी भी पार्टी में भी इसको बनाकर खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा, हेल्दी सा, टेस्टी सा ये हमारा स्नैक है, टी टाइम स्नैक्स। तो इस टेस्टी सी रेसिपी को आप बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।